एक बार फिर थाने के मामा भांजा पहाड़ी पर फायरिंग की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फायरिंग में गणेश जाधव उर्फ काल्या गन्या नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाने में फायरिंग की ये आज दूसरी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि आज सुबह के वक्त करीब 5 बजे के आसपास में थाने के नौपाड़ा इलाके में फायरिंग हुई थी। वहीं दूसरी घटना 9 बजे के आसपास में थाने शहर के मामा भांजा पहाड़ी पर फायरिंग की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने गणेश जाधव नाम के शख्स पर फायरिंग की है। मौके पर वर्तक नगर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। घायल अवस्था में गणेश जाधव को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं वर्तक नगर पुलिस के अनुसार फायरिंग में घायल गणेश जाधव पर पहले भी आपराधिक मामलों में शिकायत दर्ज है। वहीं पुलिस ने इस फायरिंग के संबंध में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।